गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओके। तो सुबह सुबह के बज रहे हैं 10। यहाँ पे होटल के अंदर ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, वो है एसी और फैन दोनों ही नहीं है होटल के अंदर। रात में इतना ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, जैसे हमने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा है टेम्परेचर लग गया 15 और 18 के आसपास, अभी है 20। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चल जाता है। ब्रेकफास्ट चल रहा है फ्री का मॉर्निंग में, कुछ भी करो ब्रेकफास्ट मिस मत करो। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कल एक ऑटो वाले भी आते, उन्होंने मुझे जैसे मेरी बात हुई थी कि वो पूरा ऊटी घुमा देंगे, तो आज सेकंड डे ऊटी और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगा उनके साथ घूमने के लिए। मेन डेस्टिनेशन रहेंगे कल, लेकिन रोज़ गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनको, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सोलो ट्रिप करने में ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास कोई कैमरा हैंडल करने वाला नहीं होता, सही फुटेजेस लाने वाला कोई नहीं होता, समझ में नहीं आता कि सही तरीके से फुटेजेस कैसे आएगी, सही जगह पर पिक कैसे खींचेगी, ये समझ में नहीं आता। लेकिन ठीक है, कर लेंगे फिर से। अब चेकआउट करने का टाइम हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ ना बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, यहाँ पे आप पानी की बॉटल नहीं ले सकते बिल्कुल भी नहीं, प्लास्टिक यहाँ यूज़ ही नहीं हो रहा। फिर अगर पानी की बॉटल मिलेगी किसी को तो डायरेक्ट 5 लीटर कैन मिलेगी बड़ी वाली, या तो बिल्कुल भी नहीं, या तो फिर नॉर्मल पानी हर जगह। अब पानी वाकई में अच्छा है, फिल्टर है हर होटल में, और ऐसा भी नहीं कि होटल वाले पानी नहीं दे रहे, पानी एकदम प्योरीफायर एकदम पीने के बाद समझ में आ जाता है कि हाँ भाई फिल्टर पानी प्योरीफायर देता। चलो ऑटो वाले भैया आ गए, उनसे बात करते हैं। वन मोर कॉफ़ी मैम प्लीज़। हाँ, 2 कॉफ़ी। घड़ी के तोप की गोली मैं ही चलाऊंगी, ये तोप मेरी है। यहाँ चल रहा है 126 फ्लावर शो, जो बहुत ही मजेदार अब बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्लावर शो। म्यूजिक पीछे चल रही है, फिर से कॉपीराइट का टेंशन है, लेकिन अपन देख लेगा। वाह यार, इतने बड़े फूल और फ्लावर्स है ना, इतने खूबसूरती से बनाया, जैसे सामने में डिज्नी का कीचड़ गूफी पूरा फ्लावर से बनाया हुआ है, मोगरे के फूल से, देन उधर साइड में ये डिज्नी का थीम दिया हुआ है पूरा यहाँ पे। वाह यार, ऊटी का ये जो बॉटनिकल गार्डन है इसे बनाया गया था 1858 के अंदर में, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झाड़ है जो 200 मिलियन पुराना है, वो थोड़ी देर में पहुँच के वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा क्या है वहाँ पे। और वहाँ भी यार इतने फ्लावर से, ये देखो, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है फ्लावर से। वाह, यानी मैं जो आया हूँ ना एकदम सही टाइम पर आया हूँ। डाले फ्लावर का साइज देखो आप, मेरा हाथ से ही बड़ा है भाई, बहुत ही बड़े फ्लावर थे। बड़ा अच्छा लगा है, साउथ रेलवे का ट्रेन का जो इंजन है ना वो बड़ी खूबसूरती से बनाया फ्लावर से, इतने बड़े बड़े गुलाब लगाए फ्लावर के, कलरफुल है ये पूरा, बहुत ही ज्यादा कलर से इतना खूबसूरत है, मधुमक्खी को बनाया है बहुत सारे फ्लावर के साथ में, कलर ही कलर ना। ये इवेंट अभी 3 से 4 दिन और चलेगा, जिसकी तैयारी भी शुरू है उस साइड भी इस साइड भी। वाह यार, यानी मेरा ऊटी आना सक्सेसफुल रहा एकदम सही टाइम पर, मैं ऊटी आया सही टाइमिंग, ऊटी की यही है आने की। अभी मैं आपको वर्ल्ड के सबसे पुराने झाड़ों में से एक झाड़ के पास लेके जा रहा हूँ जो तो। हाँ, तो ये फॉसल है 20 मिलियन पुराना, एक्चुअली इसको पानी में से निकाल के यहाँ पे आके स्टेबल कर दिया गया, यहाँ पे रख दिया गया, मुझे लगा कि बहुत बड़ा झाड़ होगा, फिर मुझे ध्यान गया कि ये फॉसल है, फॉसल पुराने होते हैं। कोई कलर देख लो, ऊपर में लिखा हुआ है इटालियन गार्डन। इस जगह को रिसर्च एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट ये सब स्टडी करने के लिए इस जगह को बनाया कि नीलगिरी माउंटेन के अंदर में यहाँ पे फल फ्रूट किस तरीके से बन सकते हैं एंड वेजिटेबल्स किस तरीके से उगाया जाता है, उसके लिए ये गार्डन को जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ उस गार्डन को इसलिए बनाया गया था। और ये जो बॉटनिकल गार्डन है ना 55 एकड़ में बना हुआ है। अब जहाँ पे भी जा रहा हो ना और थोड़ा सा व्यू चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो जा रही है, कलर चेंज हो जा रहे हैं, इतने सारे कलर, अपने को वैसे ही कलरफुल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आगे पीछे पूरी तरीके से मैं कलर में घिरा हुआ हूँ, इतने खूबसूरत और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है नाक के अंदर, ऐसा करके खुशबू ही खुशबू।
और यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी है, लेकिन वो मुझे जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। आपको देखना चाहते हैं मधुमक्खियाँ? रुकिए मैं दिखाता हूँ, पूरे फ्लावर्स के ऊपर मधुमक्खियाँ हैं सिर्फ। रुकिए ये देखिए मधुमक्खी पूरे फ्लावर पे, देन ये है, फिर इसके आगे ये है, फिर ये है, पूरी मधुमक्खियाँ उसके ऊपर, लेकिन इतना सा भी डिस्टर्ब नहीं कर रही मधुमक्खियाँ। आज चलती हुई तो एक एंट्रेंस में घुस जाता है, तब बोले थे आंटी मरते उपके सामने से हटूंगी नहीं, ये तो मेरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट टच, फाइन 500 रुपीज। मैंने एक म्यूजिक भी हो रहा है, ये देखिए हम भी दिख रहे हैं क्या? ये इतने सारे कलर एक जगह पे मैंने कभी नहीं देखा, और फ्लावर्स के अंदर जो खुशबू आ रही थी ना, और सब यूनिक झाड़ थे, मतलब जिसको मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। फ्लावर शो के एग्जीबिशन चल रहा है, बहुत ही प्यारे फ्लावर, और जो म्यूजिक इवेंट है ना वो तो चार चांद लगा दे रहे हैं उसके अंदर। म्यूजिक समझ में नहीं आ रही यहाँ की, लेकिन सब लोग डांस कर रहे थे, वाह यार। क्या ये? अच्छा काउंटिंग टाइगर, कौन सी जगह भी है ये? ये तो टी फैक्ट्री। टी फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री भी इधर ही है क्या? इधर ही है। ओके, आप बात करते हैं चिपलाइन। हां टी फैक्ट्री एक ही जगह पे है, एंड डिप लाइन। हां क्या खड़ी चढ़ाने भाई, ऊपर गया था। हां टी फैक्ट्री कंडोस का एंट्री है, एंट्री टी म्यूजियम, टी फैक्ट्री सेल्स काउंटर पूरा भी अंदर है। अभी मैं हूं टी फैक्ट्री के अंदर, इसको 19th सेंचुरी में बनाया गया था। एंट्री, और एंट्री के बाद देखो टी फैक्ट्री में कितने लोग आए हुए हैं, लोकेशन तो वावी है, एकदम वावी। ए वाव, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी हुई है, वावी। और जो भी है इसको पॉज करके पढ़ लेना, पूरी डिटेल में यहाँ की हिस्ट्री बताई हुई है। अब यहाँ पे सब ऑटोमेटिक हो गया है, वावी यार। ये देखिए ये चाय का पल्ला, वो आएंगे पत्ते, देन इसके अंदर इंपोर्ट हो गए, यहाँ से नीचे जा रहे हैं यार। इतने सारे बेच में तो होते हो जा रही है चाय पत्तियाँ, अभी तक के वो रॉ है, गीली है, स्टीम होने के लिए वो उसके अंदर जाएगी। यार इतने सारी प्रोसेस में से होते हुए निकलती है टी, फाइनल प्रोसेस वो है पूरी छन के बाहर, इस साइड में पैकेजिंग। क्राउड देख रहे हो कितना आया है, यहाँ से आप टी वगैरह ले सकते हो, खैर मेरे को तो शौक नहीं है टाइम वगैरह का, लेकिन कितना क्राउड है रे भाई। और वैसे भी यहाँ का पीक सीजन ऊटी का, अभी मजा आएगा ना। चॉकलेट फैक्ट्री भाई, आई लव चॉकलेट यार, सबको सबको चॉकलेट फ्री मिल रही है। खाने के बाद इतनी औसम लग रही है चॉकलेट, बहुत ही औसम चॉकलेट, बहुत अच्छी है चॉकलेट यार, रेट भी कम। इतना सारा क्राउड, सारा का सारा ऊटी में आ गया लगता। अब यहाँ पे आगे जाके देखने वाले हैं व्यू पॉइंट। ओ वाओ यार, सीरियसली क्या गजब दिख रहा है यहाँ से व्यू पूरा ऊटी का, सच्ची में। और यहाँ पे जिप लाइन वगैरह है, देखता हूँ अगर सही लगा तो जाएंगे।
ऊपर जाने वाले हैं अब टी गार्डन देखने के लिए। ऊटी अपने चाय के बागानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ की जो चाय है टी है वो पूरे वर्ल्ड में जाती है और तो चाहने वाले पूरे वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना बहुत टाइप की चाय भी होती है, जैसे ऑर्गेनिक टी, वाइट टी, ब्लैक टी, बहुत टाइप की वैरायटी होती है यहाँ की चाय के अंदर। आज भी यहाँ पे ना ऑर्गेनिक तरीके से चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है हाथों से। ऊटी स्पेशली टी के लिए इतना फेमस मैं पता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, जलवायु एकदम परफेक्ट है टी गार्डनिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है मैक्स टू मैक्स जाता है 12 से 15 के बीच में समर में, और विंटर में 5 और 10, यानी कि सर्दियों में इसका टेम्परेचर जाता है 5 और 10 के बीच में। तो ये चाय के लिए, चाय के पत्तियों के लिए, चाय के बगानों के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ अपन और वहाँ से रोड और यहाँ से व्यू इतना प्यारा है, बस देखते जाओ। लेकिन चढ़ने का भी मेरा कोई मूड नहीं ऊपर, यहाँ से ऊपर भी चढ़ सकते हैं लेकिन मेरा चढ़ने का कोई मूड नहीं है। वाह यार, आप जैसे जैसे यहाँ पे ना कदम बाय कदम बढ़ाते जाओ लोकेशन बदलते जाती है और खूबसूरती और ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। चाय की खुशबू की, चाय की पत्ती की खुशबू आ रही है। अगर हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स नहीं होते तो शायद टी गार्डन नहीं होता। तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है तो एक निगेटिव पॉइंट भी होता है। तो पॉजिटिव पॉइंट ये कि टी गार्डन यहाँ पर, और 1878 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे टी गार्डनिंग करी गई ऊटी के अंदर, वो भी ब्रिटिशर्स ने लेके आए थे। कहाँ से? अंग्रेजों से, सॉरी चाइनीज़ों से, क्योंकि एक टाइम एक छत्र राज किया करता था चाइना, और अब हिंदुस्तान राज करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया करता है अभी टी। अभी